कैसे हैं मेरे सब ठीक होंगे। आई एम द जमाल आर्टी फ्रॉम दी फ्लोज। सो वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। सो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, एक मैं अपने टीचर से जो बहुत ही मेरे प्यारे और रिस्पेक्टेड टीचर हैं उनसे मिलने के जा रहा हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अराउंड अबाउट भी 3 साल के बाद। सो थोड़ा सा विजिट दिखाऊंगा, अभी जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, बाइक लेने मिल चुकी है, लेट्स सी। ये वो कज़न से मांगी है बाइक, खुद तो पापा लेके चले जाते हैं, सो इसलिए अब इधर से बाइक मांग के जा रहा हूँ। So let's see. अभी मैं पहुंच चुका जहां पे मुझे परफेक्ट लोकेशन पर जाना था। ये बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, ये है काजपुर मिलिट्री, जहां पे वो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जहां पे हमने मीटअप करना है। सो स्कूल भी दिखाऊंगा आपको और अपना जो है ना टीचर वगैरह की ज्यारत भी करूँगा। अभी इनका जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफिस मीन्स के वो यहाँ पर बैठे होंगे। ये टाइटल है स्कूल का, नाम वगैरह भी दिखा दो। ये बंगला रोड, ये मामू कांजन की लोकेशन है, ठीक है ना। सो मैं अभी अंदर जाने लगा हूँ, वहाँ पे टीचर से भी मिलवाता हूँ, आए चलते हैं। ये हैं हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे टीचर और बहुत ही अच्छे टीचर सर करम हुसैन साहब। ये मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, इन्होंने मुझे स्टडी करवाया बायोलॉजी का सब्जेक्ट मेरा हाजपुर कुरान स्कूल। अभी तो माशाल्लाह से मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आ गया हूँ, तो स्कूल से लेके अब तक ड्यूरेशन के बाद हम आज मीटअप हो रहे हैं। शायद ही इससे पहले कभी नहीं मिले। सो बहुत ही आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा मीटअप हो रहा है। सो इंशाल्लाह हमारा मीटअप आज का जाना बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको भी दिखाएंगे जो भी चीज़ें होंगी। बाकी स्कूल है, स्कूल का भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे विजिट भी करवाएंगे। स्कूल है काज पब्लिक स्कूल, बंगला चौक मामू कांजन में। तो अभी जो है क्लोज है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, सो इसलिए क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं। सो मैं बट एस ओ बीस जो है ना इसकी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, ये सामने आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं व्यू। सो बाकी ये जब इसकी रीओपनिंग होगी, सो इंशाल्लाह उसके बाद मैं एक नया ट्यूटोरियल नया व्लॉग बनाऊंगा, उसमें सारी क्लासेस वगैरह का सीन भी दिखाऊंगा। अभी जस्ट मैं इसका व्यू जो ओवरऑल व्यू है बाहर से वो, अब हम लोग थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए आउटिंग में जा रहे हैं बस। हाँ जी, मैं अब बैठ चुका हूँ अपनी बाइक पर, अब हम अपने टीचर सर प्यारे से अच्छे से सर के साथ जाने लगे हूँ आउटिंग पर, थोड़ा बहुत जो है ना रिफ्रेशमेंट करने के लिए। तो रिफ्रेशमेंट आउटिंग का सीन है डेरा रेस्टोरेंट, बहुत ही मशहूर तरीन और फेमस तरीन होटल है इधर है मामू कांजन का, बंगला चौक में है। सो अभी मैं एंटर होता रहा हूँ और आउटिंग का सीन दिखाता हूँ। मैं अब पहुंच चुका हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। सो विद माय कलीग्स, ये हमारे सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट होगी, रिफ्रेशमेंट के बाद अपने अपने घर को जाएंगे। मैंने वैसे शूट के लिए जाना है इसके बाद, चलिए वो भी आज इसमें ऐड कर दूंगा शूट का सीन भी। तो इसके बाद और तो कोई काम नहीं है, सो जो भी होना है वो आपके सामने ही होना है, आपको दिखाना है। तो लेट्स एंजॉय योरसेल्फ। सो गाइज़,
अब हमने रिफ्रेशमेंट स्टार्ट कर दी है। ये आ चुका है पिज़्ज़ा, इसका फ्लेवर जो है वो है चिकन अचारी, ठीक है ना। ये हमने ये कुलीग्स बैठे हुए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ में कोक पड़ी हुई है एंड ये मेरा हिस्सा पड़ा हुआ है। बाकी अब आपका दिल भी कर रहा होगा खाने को, लेकिन क्या कर सकते हैं, मोबाइल से तो कोई निकाल नहीं सकता। बट एनीवे यही देख के आप खुश हो जाएं। आ चुके हैं, मीटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे टाइम दिया, अपना गोल्डन टाइम दिया। सो मीटअप बहुत अच्छा रहा, इंजॉय किया माशाल्लाह से। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि पहले मुझे खुद ही नहीं पता कि सर किधर होते हैं, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मेरे साथ तो। बट थैंक यू, अब हम जाने लगे हैं वापस सर, आई थिंक घर जाएंगे और मैं शूट पर जाऊँगा। वो सीन अब यहाँ रेस्ट हाउस आ चुका हूँ मैं, यहाँ पर शूट करना था बट शूट कैंसिल हो चुका है। ये इनका बैड लक है, क्योंकि इन्होंने खुद ही मुझे ऑफ़र कर दी है कि शूट हमने सेकंड टाइम करवाना है। अभी टाइम हुआ है 3 बजे का हो गया, ठीक है ना, तो 4-5 बजे का टाइम बना है। ये अब दोबारा जाएंगे और घर तैयारी करके वापस आएंगे, धक्के खाएंगे 2-4, तो इनकी तबीयत ज़रा सेट हो जाएगी। सो शूट कैंसिल हो चुका है, अब आपको भी नहीं दिखाने वाला हूँ मैं शूट कैसे होता है। तो ये ब्लॉग जो है वो यहीं तक था। सो आई होप कि आपने इस चीज़ को बड़ा जो है ना लाइक किया होगा। सो थैंक्स सो मच।